मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति कोहली विल बी स्टार्ट चैप्टर 9 सॉइल्स ऑफ इंडिया। टुडे वी विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक, भारत की मिट्टी। ओके, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर है या पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको हम सॉइल के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सॉइल देखी है, जो हम मिट्टी देखी हुई है ना, उसकी जो अपर लेयर होती है उसको हम मिट्टी या सॉइल के रूप में जानते हैं। इट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। ये पृथ्वी की या लैंड जो भूमि होती है उसकी ऊपरी सतह पर बनती है, या उसकी ऊपरी सतह पर, क्योंकि उसकी ऊपरी सतह जो होती है उससे ये बनती है। Soil is a mixture of minerals, water, air and the decaying remains of plants and animals. Soil या मिट्टी मिक्सचर है वाटर का, एयर का और डीके, जो प्लांट्स और एनिमल्स का, जो इनके पार्ट्स, जो रिमेन पार्ट्स होते हैं जो डीके नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, इन सब के मिक्सचर से सॉइल बनती है। द अपर लेयर ऑफ द सॉयल यूजली डार्कर एंड रिचर इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड टॉप सॉयल। जो अपर लेयर है सॉयल की यूजली उसको हम डार्कर, ये आपने देखा होगा जो अपर लेयर है ऊपरी जो सतह है वो डार्कर या डार्क कलर की होती है और रिच होती है, वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के पार्ट्स होते हैं और जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। नाउ वी टेक आवर टॉपिक सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि सॉइल या मिट्टी बहुत अधिक लॉन्ग टाइम लेती है बनने में, या हम मिट्टी को बनने में बहुत अधिक समय लगता है। लार्ज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पीसेस by wind and water. With the time, these pieces are further broken down into smaller pieces which form sand, silt and the different types of soil. जैसे कि आप लोग जानते हैं इसके साथ साथ जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं, जब लार्ज रॉक बड़े बड़े पत्थरों को उड़ाकर जब यहाँ से स्मॉल पीसेस में विंड के द्वारा लेके जाए जाते हैं या पानी के द्वारा आते हैं, तो इसके साथ साथ क्योंकि जब वो बड़े बड़े पत्थर आपस में टूटते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, और इसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे पीसेस टूटते हैं, उन टूटे हुए पीसेस से सैंड, सिल्ट और डिफरेंट टाइप की सॉइल बनती है। दिस इज अ प्रोसेस दैट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। इस प्रोसेस को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। सॉइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स रिक्वायर सॉइल टू ग्रो। सॉइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं बिना सॉइल के, या अगर हमारे पास सॉइल नहीं होगी तो हम अपने प्लांट्स को, ट्री को, क्रॉप्स को, किसी को भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ट्रीज, प्लांट्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल की नीड होती है, तो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल आर कंपोज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सेंड एंड सिल्ट इन वेरिंग क्वांटिटीज। सॉइल डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप की होती है, और सभी जो जितनी भी डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं सभी में पार्टिकल्स, क्ले, सैंड और सिल्ट डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटीज में मिले होते हैं। द नेचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। ही नेचर जो है सॉइल का डिपेंड करती है रॉक्स के ऊपर एंड अदर मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल्स से मिलकर ये बनती है। सम टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। कुछ सॉइल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, वाइल अदर्स आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ अ रीजन।
जबकि दूसरी जो होती है वहाँ की रीज़न या उस एरिया की कैसा रीज़न है, कैसा लोकेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। द सॉइल इन एरिया दैट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई आर वेरी फर्टाइल। जो ये सॉइल है एरिए के ऊपर, ये बहुत ही प्लेंटी, बहुत अधिक पानी जब इसको सप्लाई करता है तो वहाँ पर बहुत अधिक फर्टाइल होती है, वहाँ की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। वेन सॉइल इज़ फर्टाइल क्रॉप्स ग्रो वेल, और जब सॉइल फर्टाइल होती है तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज नॉट फर्टाइल फार्मर्स यूज मैन्योर और फर्टिलाइजर टू मेक द सॉइल फॉर्म सॉइल मोर फर्टाइल। जब आप लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर हमारी मिट्टी या हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं होती है जिस जगह की, तो उस जगह पर फार्मर्स अपना मैन्योर या खाद या फर्टिलाइजर्स डालते हैं वहाँ की सॉइल को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए। नाउ वी टेक आवर टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भाग में हम अलग अलग तरह की मिट्टी को पाते हैं। भारत के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया इज रिच इन विच टाइप ऑफ सॉइल। आप यहाँ पर इंडिया में देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। द सॉइल दैट इज formed by the deposition of silt and sand brought down by rivers is known as alluvial soil। जो ये soil form की जाती है, बनती है ये different silt और sand जो कि rivers के द्वारा लाए जाते हैं उनसे बनती है, इसको हम alluvial soil बोलते हैं। This type of soil is found in plenty in the northern and coastal plains of India। इस टाइप की जो सॉइल है या इस तरह की जो मिट्टी है वो बहुत अधिक नॉर्दर्न एरिया में और कोस्टल प्लेन्स में, भारत के कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। दीज डिपॉजिट्स आर वेरी फर्टाइल सॉफ्ट एंड रिच इन मिनरल्स। इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, सॉफ्ट और मिनरल्स में बहुत अधिक रिच होते हैं। एलिवल सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो एलिवल सॉइल है वो क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत अधिक अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उनके लिए, क्रॉप्स के लिए, लाइक राइस, वीट, मेज, टोबैको, शुगर केन, ऑयल शीट, पल्सेस एंड जूट अमंगेस्ट मैनी अदर्स। इनमें जैसे आपका राइस है, वीट है, मेज है, टोबैको, शुगर केन, ऑयल शीट, पल्सेस और जूट, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो इनमें एलिवल सॉइल में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो ग्रो वेरी वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। फ्रूट्स और वेजिटेबल भी यहाँ पर इस सॉइल में उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। द सॉइल दैट इज फॉर्म फ्रॉम लावा आफ्टर इट सॉलिडिफाइज इज नोन एज ब्लैक सॉइल। जो यहाँ पर ये सॉइल फॉर्म की जाती है लावा में, सॉलिड फॉर्म में, उसे हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश विच लाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ब्लैक सॉइल मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और न जहाँ पर वे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। दिस सॉइल इज क्लेई एंड रिटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ये सॉइल बहुत क्लेई होती है और इसमें बहुत अधिक मॉइस्चर पाया जाता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो किया है। ब्लैक सॉइल काली वो मिट्टी होती है और इसमें बहुत अधिक क्लेई, गीली मिट्टी होती है ये। इट इज मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कॉटन, मिलेट्स, टोबैको, ऑयलसीड, वीट, शुगर केन एंड इवन सिट्रस फ्रूट। ये सॉइल क्रॉप्स ऐसी जैसे कि कॉटन है, मिलेट्स है, टोबैको, ऑयलसीड, वीट, शुगर केन, यहाँ तक कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनको ग्रो करने में बहुत अधिक लाभदायक होती है या उनके लिए सुटेबल होती है।
टेक अ लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। द सॉयल इज रेड इन कलर एंड हिंस इट इज नोन एज रेड सॉयल। आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है और इसको हम रेड सॉयल बोलते हैं या रेड सॉयल के नाम से जानते हैं। द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड मेक्स दिस सॉयल अपीयर रेड इन कलर। जो ये रेड सॉयल है, ये इसलिए रेड सॉयल है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक होता है या आयरन ऑक्साइड से मिलकर बनती है, इसलिए ये रेड कलर में होती है। दिस सॉयल इज नॉट वेरी फर्टाइल, येट क्रॉप्स सच एज पल्सेस, राइस, मिलेट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स ग्रो इन दिस सॉयल। ये सॉइल बहुत अधिक उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, जबकि ये क्रॉप्स के लिए जैसे आपकी पल्सेस, राइस, मिलेट और दूसरी वेजिटेबल्स, कुछ सर्टेन वेजिटेबल्स को ग्रो करने में बहुत अच्छी होती है। रेड सॉइल इज फाउंड इन मेनली इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। जो यहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है मेनली इन स्टेट्स में, जैसे आपका झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। द सॉइल दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज नोन एज लेटराइट सॉइल। जो ये सॉइल है, ये वेदरिंग प्रोसेस में, जैसे कि मिट्टी के पत्न जो आपके रॉक्स हैं उनको टूटने से या वेदर या मौसम के अकॉर्डिंग वेदरिंग होने से भी ये लेटराइट सॉइल बनती है। और ये सॉइल जो है फाउंड हो जाती है रीजन विद दैट इज एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ रेनफॉल। ये आपका जैसे बहुत अधिक रेनफॉल पाई जाती, जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है उन रीजन पर ये अधिक पाई जाती है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है कि रेन्स के द्वारा मिनरल्स जो हैं वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं, इस मिट्टी से चले जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स इज नोन एज लीचिंग। इस प्रोसेस को जो ये वॉश्ड अवे हो जाते हैं जो मिनरल्स, इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक।